साल भर तक हमें बाकी रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला ने ये जिंदगी में हमें बार बार मौके दिए, हम लोग इनकी कदर नहीं करते। जलसों में पहुंच गए, सुना और निकल गए, और जो भी खराबियां हैं, जो भी बुराइयां हैं और जो भी खुराफात हैं, वो यकीनन हमारे घरों में और हमारे माहौल में और हमारे इस जो है पूरे इस इलाके में वो जन्म ले रही हैं। अल्लाह तबारक व ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। बहरहाल कुरान की इस वक्त में जो आयत पढ़ी और एक रिवायत पढ़ी, उस ताल्लुक से अभी मास्टर जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों को, आपकी शफकतों को, आपकी अजमतों को बयान कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यकीनन आदत को और आपकी आपके आपकी मोहब्बत को, आपकी शफ़क़त को बयान किया जा रहा था। उसी ताल्लुक से कुरान करीम की एक आयत इस वक्त में पढ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमें बहुत ज़रूरी है। हमारी याद रखिए, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा ईमान मुकम्मल हो, हमारे ईमान की तकमील हो और हमारा ईमान वो मुकम्मल हो जाए, तो ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा आपकी खिदमत में तशरीफ़ फरमा हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत है सिवाय अपने नफ्स के। आपने फरमाया, ए उमर, तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हें अपने नफ्स से भी ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत मेरी ना हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करें और हमारी मोहब्बत इस कदर हो कि अपने कारोबार से, अपनी तिजारतों से और अपने घरों से और अपने आबाओ अजदाद से और अपने औलाद से, हर चीज से ज्यादा मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें होनी चाहिए। और यकीनन जब हम मोहब्बत करने वाले हैं और होनी चाहिए, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, आपकी इत्तिबा, आपकी बातों को मानना, आपके लाए हुए तरीके को अपनाना और आपकी सूरत, आपकी सीरत पर अमल करना, ये हम सब के लिए जरूरी होता है। आज हम मोमिन हैं, कलमा हमने पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा हम पढ़ने वाले हैं, कलमा हमने पढ़ा है, लेकिन कलमे के तकाजों पर अमल नहीं है। बस वही सारी खुराफात और वो सारी बिदात वो हमारे अंदर यके बाद दीगरे तरह तरह के मेरे भाइयों वो जन्म ले रही हैं। इसलिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो आपके तरीके से भी हमें मोहब्बत हो। मैंने इस वक्त में जो आयत पढ़ी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारी इंसानियत के लिए, हमने आपको इस दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भाई सबके लिए रहमत बन के आए, सारी इंसानियत के लिए अल्लाह ने आपको रहमत बनाकर भेजा। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इंसानियत के लिए और दुनिया में आने वाले तमाम इंसानों के लिए और तमाम जानवरों के लिए और जितनी भी अल्लाह ने मखलूकात पैदा की हैं, अल्लाह ने आपको सब के लिए रहमत बनाकर भेजा, अल्लाह ने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। और मेरे भाइयों, हमारे हम लोग सुनते हैं वाकयात, हजरत उलमाए किराम हमें सुनाते हैं, हमें बताते हैं, आपकी सीरत यकीनन हमारे सामने आती है, आपकी बातें यकीनन हमारे सामने की जाती हैं, हमें पता चलता है। उन तमाम चीज़ों को देखकर, उन तमाम बातों को सुनकर, आपकी सीरत को सुनकर, कि यकीनन आप हर चीज़ के लिए और हर तमाम आलम के लिए यकीनन रहमत बनकर आए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने आपको इस इंसानियत के लिए और सारे आलम के लिए यकीनन रहमत बनाकर भेजा और आप सारी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। ये कुरान करीम पढ़ने वाले बच्चे, ये भी आपकी रहमत से महरूम नहीं। कुरान करीम पढ़ाने वाले, ये भी आपकी रहमत से महरूम नहीं। इस दुनिया में पैदा होने वाला हर इंसान आपकी रहमत से महरूम नहीं। मेरे भाइयों, खेतों में काम करने वाला मजदूर अगर है, तो वो भी आपकी रहमत से, आपकी शफकत से, आपकी मोहब्बत से वो भी महरूम नहीं। इस दुनिया में बसने वाला, माँ बाप की खिदमत करने वाला हर इंसान, और माँ बाप हो, चाहे हमारी माए हो और चाहे हमारे माँ बाप हो, कोई भी मेरे भाई इस दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला ने कोई ऐसा पैदा नहीं किया जिसको अल्लाह ने आपकी रहमत से महरूम किया हो। यकीनन मेरे भाइयों, आपकी रहमत से सबको हिस्सा मिला।
आपकी रहमत से सबको नवाजा गया, आपकी रहमत से सबको नवाजा गया। ये माँ बाप जिनकी हम खिदमत करते हैं और जिनके ताल्लुक से कुरान करीम की आयतें और अहादीस हमारे सामने हजरत उलमा बयान करते हैं, ये माँ बाप को जो रुतबा मिला, माँ बाप को जो अजमत मिली, माँ बाप को जो एहतराम मिला, माँ बाप को जो कदर व कीमत मेरे भाइयों मैसर आई, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मैसर आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है, अलजन्नत तहदा इक़दामिल उम्महात, माँ बाप की खिदमत करने वाले मेरे भाइयों माँ बाप की जो खिदमत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन वो उनको नवाजा गया है और उनको यकीनन बड़ी मेरे भाई और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बड़ी रहमतें उनके हिस्से में आती हैं। ये माँ बाप को जो मेरे भाई बड़ा रुतबा और बड़ी अजमत मिली है, इसके मुतालिक हदीस में आता है कि जो ये माँ बाप जो है, बाप जो है वो जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप जो है ये जन्नत के दरवाजे हैं। बाप के मेरे भाइयों, बाप के माँ के पैरों तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। ये जो बड़ा मकाम माँ बाप को मिला, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मिला। आपको चूंकि सारी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है, ये कुरान करीम पढ़ाने वाले जो कुरान करीम का दर्स दे रहे हैं, ये कुरान करीम पढ़ाने वाले, ये मदरसों में रहने वाले जो हमारे जलसों में आकर हमारे सामने तकरीर करते हैं, हमारे सामने कुरान और हदीस की बातें बयान करते हैं, इनको जो मकाम मिला, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, उलमा को मेरे भाई अंबिया का वारिस करार दिया गया, इतनी बड़ी निस्बत, इतना बड़ा एहतराम इनको दिया गया, किसकी बरकत से? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से। उलमा अंबिया के वारिस हैं, उलमा का बहुत बड़ा मकाम है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहू, तुम में सबसे बेहतर इस हुई जमीन पर कोई जमात है तो कुरान करीम पढ़ने और पढ़ाने वालों की है। ये सबसे बड़ा मकाम और ये अजमतें जो मुकद्दर में आई हैं हमारे उलमा के, कुरान करीम पढ़ने वालों के, कुरान करीम पढ़ाने वालों के जो हिस्से में ये मेरे भाई अजमतें आई हैं, ये यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से आई हैं। आपकी रहमत से सबको नवाजा गया, किसी को महरूम नहीं किया गया। माँ बाप हो उनको महरूम नहीं किया गया, उलमा हो उनको महरूम नहीं किया गया, कुरान करीम पढ़ने वाले हों जिनके मुतालिक मैंने कुरान करीम की मैंने इस वक्त में हदीस पढ़ी और दूसरी हदीस में आता है मन काना फी तलबिल इल्म अल जन्नतु फी तलबी, जो इल्म की तलाश में रहता है जन्नत उसकी तलाश में रहती है। जो कुरान करीम पढ़ता है, जो मदरसों में जाकर मेरे भाई जिनको हम कमजोर समझते हैं, जिनके मुतालिक हमारा फैसला यह होता है कि इस रुए जमीन पर अगर कोई कमजोर जमात है तो कुरान पढ़ने वालों की और हमारी मजलिसों में और हमारी बैठकों में बैठ कर ये तबसरे होते हैं कि ये कमजोर लोग हैं, ये कुछ जानते नहीं है और अल्लाह के नबी का फैसला इनके बारे में ये है कि इस रुए जमीन पर सबसे उम्दा, सबसे बेहतरीन और सबसे अजमत वाली और सबसे कदर वाली और सबसे महतरम और सबसे मुकर्रम जमात वो कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों की है। अल्लाह के नबी का फैसला चलेगा, ये हमारा फैसला चलेगा। हम लोग तो पता नहीं बैठकों में और अपनी मजलिसों में बैठकर कैसे कैसे तबसीरे करते हैं, कोई उलमा के खिलाफ कर रहा है, कोई अपने इन पढ़ने वालों के खिलाफ कर रहा है, कोई इनके ऊपर मेरे भाइयों तबसीरे कर रहा है, कोई इन मदरसे वालों के खिलाफ तबसीरे कर रहा है। यकीनन ये हमारे तबसीरे, ये हमारी बैठकें, ये हमारी बातें, ये हमारी जुबाने जिन जुबानों से हम गलत बातें उलमा की शान में करते हैं, हम लोग गुस्ताखियां करते हैं, हम लोग इन्हें जलील और रुस्वा करने की जो कोशिशें कर रहे हैं, याद रखो हम जलील होंगे, हम रुस्वा होंगे, हमारी बैठकें खत्म होंगी, हमारा माशरा खत्म होगा, हमारे घर खत्म हो जाएंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फैसला कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों के बारे में है वो यकीनन बाकी रहेगा। अल्लाह के नबी का फैसला सबसे मोहतरम का है इस जमात के बारे में। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इनका एहतराम और इकराम करने की तौफीक दे दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से किसी को महरूम नहीं किया गया। कुरान पढ़ने वाले हों, कुरान पढ़ाने वाले हों, माँ बाप हों, मेरे भाइयों मजदूर हो, तिजारत करने वाला हो और मेरे भाइयों मजदूरी करने वाला हो, खिदमत करने वाला हो, मदरसों में देने वाला हो, किसी को भी अल्लाह ने महरूम नहीं किया है। यकीनन मेरे भाइयों, न शोहर को महरूम किया गया, न बीवी को महरूम किया गया, इनको भी जो मकामात मिले वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ही मिले हैं मेरे भाइयों। इसलिए हुक्म है
हुक्म है शोहर को भी कि वो भी अपनी बीवी के साथ हुस्ने सुलूक का मामला करे। वाशरूहुन्ना बिल मारूफ, के इनके साथ हुस्ने सुलूक का मामला किया जाए। कुरान करीम की आयत मौजूद है, कुरान करीम का फैसला मौजूद है। यकीनन जो हमारी इन औरतों को, हमारी इन बीवियों को जो ये मकाम मिला हुस्ने सुलूक का और इनके साथ अच्छाई करने का जो हुक्म दिया गया शोहरों को, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ही यकीनन मिला है। अल्लाह ने किसी को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से, आपकी शफकत से, आपकी रहमत से किसी को भी महरूम नहीं किया। एक मजदूर, मजदूरी करने वाला, खेतों में काम करने वाला, सुबह से शाम तक मेहनत करने वाला, जिसको हम कमजोर समझते हैं, जिसके बारे में हम यूं कहते हैं ये कौन है, ये फटे कपड़े वाला, ये ऐसे लिबास वाला जिसका लिबास भी गंदा है, जिसके हाथ भी गंदे हैं और जिसका लिबास भी यकीनन अच्छा नहीं है, जिससे बदबू आ रही है, इस मजदूर के बारे में अल्लाह के नबी का फैसला क्या है? अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उस मजदूर को, उस मेहनत करने वाले को सुबह से शाम तक खेतों में और मेरे भाई उधर से उधर जाकर मेहनत और मजदूरी करने वालों को भी महरूम नहीं किया गया है। मेरे भाइयों, एक मजदूर एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आने के बाद मुसाफा मिलाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम किया तुम्हारे हाथ बहुत सख्त नजर आ रहे हैं। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मजदूर हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, सुबह से शाम तक अपने इन हाथों से इधर से उधर पत्थर मुंतकिल करता हूँ, इधर से उधर पत्थर पहुँचाता हूँ, इसलिए मेरे हाथ सख्त हो गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे भाइयों बशारत दी, क्या फैसला फरमाया? क्योंकि महरूम आपकी बरकत से किसी को नहीं किया गया। कुरान करीम की आयत मौजूद है कि हमने आपको सारी इंसानियत के लिए, सारी दुनिया के लिए, सारे आलम के लिए, मेरे भाइयों हमने आपको रहमत बनाकर भेजा है। तो आपने फरमाया अलकासिब हबीबुल्लाह, मजदूरी करने वाला, मेहनत करने वाला, अपने हाथों से कमाने वाला, वो अल्लाह का दोस्त है। मेरे भाइयों, मेहनत और मजदूरी करने वालों को हम कमजोर समझते हैं, हमें किसी को भी कमजोर समझने की इजाजत नहीं है, किसी को कमतर समझने की इजाजत नहीं है। हम अपने आप को कमतर समझें, आजिजी का मुजाहरा करें, तवाज़ो का मुजाहरा करें, लेकिन किसी के बारे में तबसीरा करना, किसी के बारे में कोई फैसला करना, किसी को हकीर समझना, किसी को जलील समझना और किसी को फकीर समझना और किसी के बारे में बदगुमानी रखना और किसी के बारे में बुराइयां करना और अपनी जुबान से ऐसी बातें कहना जो उसके लिए तकलीफ दे हो, जो उसको परेशान करती हो और किसी को रुसवा करना, इसकी हमें इजाजत नहीं है। ये उलमा सुबह से शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक हमारे इन जलसों में, हमारे इन प्रोग्रामों में, हमारे इन मदरसों में पहुंचकर, हमारे इन जलसों जुलूस में पहुंचकर हमें दावत दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, आपकी शफकतें, आपकी मोहब्बतें, आपकी इनायतें यकीनन बयान की जा रही हैं, लेकिन हाल हमारा यह है कि हम सुनते हैं और सुनने के बाद बस ऐसे हो जाते हैं जैसे कुछ सुना नहीं है। हमें बदलने की जरूरत है, हमें तब्दीली लाने की जरूरत है। हम अपने मिजाज को, अपने माहौल को, अपने निजाम को, अपने जाहिर को, अपने बातिन को, अपने अखलाक को, अपनी हर चीज को बदलने की जरूरत है। आज हमारे अखलाक देखो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते जुलते नहीं है, हमारे अखलाक भी बदल चुके हैं। हम लोग एक दूसरे को परेशान करने पर, एक दूसरे का हक दबाने पर, एक दूसरे को रुसवा करने पर हर वक्त तुले हुए हैं। बस हम लोग इस उलझन में हैं हर वक्त, किस तरीके से इसको परेशान किया जाए, किस तरीके से जलील किया जाए, किस तरीके से एक मुसलमान को रुसवा किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम तो यह है कि अखलाक का मुजाहरा किया जाए, एक दूसरे को परेशान न किया जाए, एक दूसरे का हक न दबाया जाए, एक दूसरे को तकलीफ न पहुंचाई जाए, एक दूसरे को रुसवा न किया जाए, एक दूसरे को जलील न किया जाए, एक दूसरे के बारे में बदगुमानी न की जाए। बुग़्ज़, इनाद, फसाद, ये बीमारी आम हो गई है। यकीनन हर आदमी बुग़्ज़ में मुबतला है, हर आदमी दुश्मनी में मुबतला है, हर आदमी फसाद में मुबतला है, हर आदमी का जहन एक दूसरे की तरफ से खराब है। बच्चों का जहन माँ बाप की तरफ से खराब, माँ बाप का जहन बच्चों की तरफ से खराब, उस्ताद का जहन तालिब इल्म की तरफ से खराब, बच्चे का जहन तालिब इल्म का जहन उस्ताद की तरफ से खराब, और एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान की तरफ से खराब। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही तालीम देने के लिए इस दुनिया में तशरीफ लाए थे? आपके दुनिया में आने से पहले, आपके दुनिया में तशरीफ लाने से पहले जहालतें थी, रसूमात थी, बिदात
थी, खुराफात थी, तरह तरह की बुराइयां थी हर वक्त मेरे भाइयों, तरह तरह की बुराइयां आम थी, तरह तरह की बुराइयां जन्म लेती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा सारी इंसानियत के लिए, सारी बुराइयों के खात्मे के लिए, अखलाक देने के लिए, अखलाक पहुंचाने के लिए, एक दूसरे का एहतराम करने के लिए, एक दूसरे का मेरे भाइयों एहतराम करने के लिए और रुसूमात को और बिदात को खत्म करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। कुरान सारा मौजूद है, अहादीस मौजूद है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे सामने मौजूद है। हमारा हाल ये है कि बस अपने हिसाब से, अपने तौर तरीक से यकीनन हम चल रहे हैं। हमें बदलने की, अपने निजाम को बदलने की, अपने अंदर तब्दीली लाने की यकीनन हमें जरूरत है। कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम हमारे सामने मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, आपकी सीरतें हमारे सामने मौजूद हैं। ये उलमा हमें बताते हैं वक्तन फवक्तन सारी बातें। मेरे भाइयों, मस्जिदों से, मिंबरों मेहराब से और इन जलसों से, इन कुर्सियों से ये सारी बातें हमारे सामने की जाती हैं, लेकिन हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह ने आपकी रहमत से, आपकी नवाजिशात से किसी को भी महरूम नहीं किया है। न मजदूर को महरूम किया गया, न उस्ताद को महरूम किया गया, न तालिब इल्म को महरूम किया गया, न माँ बाप को महरूम किया गया, न बच्चों को महरूम किया गया, और न मेरे भाइयों बच्चियों को महरूम किया गया, न बेटों को महरूम किया गया, न बच्चियों को महरूम किया गया। आज बच्ची किसी के घर में पैदा हो, आज भी वो जहालतें और वो रस्में हमारे अंदर मेरे भाइयों पाई जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले बच्चियों को जिंदा दफनाया जाता, जिंदा दरगोर उनको किया जाता और गड्ढा खोदकर बच्चियों को दफना दिया जाता था, उनको जिंदा दबा दिया जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, आपके आने की बरकत से बच्चियों को कितना बड़ा मकाम मिला। बच्चियों की खिदमत करने वालों को, बच्चियों की परवरिश करने वालों को, बच्चियों की खिदमत करने वालों को, उन माँ बाप को जिनके यहाँ बच्चे पैदा हो, आज हमारा हाल तो यह है घर में बैठा हो तो खुशी मनाई जा रही है। अरे अल्लाह के बंदो, इसका मतलब तो यह है कि अल्लाह के फैसले पर हम लोग राजी नहीं है। अल्लाह का फैसला मेरे भाइयों, उस पर राजी रहना हम सब के लिए जरूरी है। अल्लाह की तरफ से बेटा मिले, अल्लाह की तरफ से बेटी मैसर आए, दोनों अल्लाह की तरफ से मिलने वाली हैं, इसलिए खुशी का मुजाहरा होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ये मेरे भाइयों जहालत थी, आज भी वो जहालत जन्म ले रही है। किसी घर में बच्ची पैदा हो तो मेरे भाइयों उस बीवी का और उस घर में आने वाली बच्ची का मेरे भाइयों वजन खत्म कर दिया जाता है। तूने बच्ची पैदा की है, तूने बच्ची पैदा की है तो हमारे घर में आई और हमारे घर में बेटे आने बंद हो गए, इस तरह की बातें हम अपने घरों में करते हैं और उस बच्ची की अहमियत हमारे दिलों से निकल जाती है। अरे अल्लाह के बंदो, उस बच्ची का इसमें क्या गुनाह है, ये तो अल्लाह का फैसला है, अल्लाह बेटा दे या बेटी दे। याद रखो, जिस घर में बच्ची पैदा हो और जिस घर में बेटी आए, अल्लाह तबारक व तआला जिस घर में बेटी दे, अल्लाह तबारक व तआला जिस घर में बच्ची दे और वो बच्ची की परवरिश करे, उसको पढ़ाए, उसको लिखाए, उसकी तरबियत करे और हत्ता के उसका निकाह तक कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कितना बड़ा मकाम उसको मिला, कितना बड़ा मकाम उस बच्ची की बरकत से उस बाप को मिला है, उस माँ बाप को मिला है जिन्होंने बच्ची की परवरिश की, उसकी तरबियत की और उसका निकाह किया। उसको, उन माँ बाप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बड़ा मकाम दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल कयामत के दिन जन्नत में उसके और मेरे दरमियान में इतना फासला होगा, उंगली का इशारा करके फरमाया, इतना फासला होगा जिसके घर में अल्लाह बेटी दे और बेटी की परवरिश करे, उसको पढ़ाए, उसके साथ हुस्ने सुलूक का मामला करे और उसकी तरबियत करे और हत्ता के उसको उसका निकाह कर दे, तो उस बच्ची के साथ मामला करने वाले बाप के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि उसके और मेरे दरमियान में इतना फासला होगा। आज हमारा हाल
ये है, बेटा अल्लाह ने दे दिया तो खुशी मनाई जा रही है, दावतें की जा रही हैं, बच्ची अल्लाह ने दे दी तो मेरे भाइयों मुंह मोड़ा जा रहा है, एक दूसरे को बताते नहीं है, दावतें खिलाते नहीं है, और मेरे भाइयों बार समझते हैं, बोझ समझते हैं बच्ची को। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही तालीम है? अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हमें अमल करने की तौफीक दे दे। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।